हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पांच बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन के बारे में जो कि आपको 10,000 के बजट में इनको मिल जाते हैं। इसमें आपको बैटरी लाइफ भी अच्छी मिलती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे हमारे पांचवें नंबर के फ़ोन की, जो है व्यू का U10। इसमें आपको डिस्प्ले मिलती है 6.35 इंच की। HD में डिस्प्ले दी गई है और इसमें IPS LCD डिस्प्ले का यूज़ किया गया है। बैक कैमरा इसका ट्रिपल है, 30+8+2 मेगापिक्सल का, और इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का ही। बात करते हैं इसका प्रोसेसर की, तो इसमें ऑप्शन स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर दिया हुआ है। ट्रिपल सिम का आपको इसमें ऑप्शन मिलता है। बात करते हैं बैटरी की, तो इसमें 5 mAh की बैटरी दी गई है। 18 आवर का फास्ट चार्जर है। माइक्रो USB का सपोर्ट है। 3 GB और 32 GB का स्टार्टिंग प्राइस है 9,999 रुपये। अब बात हमारा चौथा नंबर का फोन जो है रियलमी का U1। इसमें आपको डिस्प्ले मिलती है 6.3 इंच की। फुल HD में डिस्प्ले दी गई है और IPS LCD डिस्प्ले का इसमें यूज किया गया है। बात करते हैं इसका बैक कैमरा की, तो इसमें डुअल है 30+2 मेगापिक्सल का। इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 25 मेगापिक्सल का है और इसका जो प्रोसेसर है मीडियाटेक का G70। फ्रंट कैमरा और प्रोसेसर के मामले में ये बजट फोन बढ़िया है। बात करते हैं इसकी बैटरी की, बैटरी में थोड़ी कमी है, 35 mAh की बैटरी है। प्राइस है 7,999 रुपये। बात करते हैं हमारे थर्ड नंबर के फ़ोन की, जो है रियलमी का C30। इसमें आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले मिलती है। HD में डिस्प्ले दी गई है और IPS LCD डिस्प्ले है। इसका जो बैक कैमरा है वो डुअल है 12+2 मेगापिक्सल का। फ्रंट कैमरा है 5 मेगापिक्सल का। इसका जो प्रोसेसर है मीडियाटेक का है G70 और बैटरी मिलती है आपको 5000 mAh की। चार्ज है 10 वाट का और इसका जो प्राइस है वो है 7,999 रुपये। इसमें ग्लास मिलता है गोरिल्ला का, त्रिपुरे से बना हुआ है। अब आता है हमारा दूसरा नंबर के फोन जो है लिनोवा का K10 नोट। इसमें आपको डिस्प्ले मिलती है 6.3 इंच की। फुल HD में डिस्प्ले दी गई है। IPS LCD डिस्प्ले है। बैक कैमरा ट्रिपल है। फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है। प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का 710 का और 9,999 रुपये इसका प्राइस है। अब बात हमारे पहला नंबर का फोन जो है रियलमी का Realme 30 Pro। इसमें आपको डिस्प्ले मिलती है 6.3 इंच की। फुल HD में डिस्प्ले है। आप लोग ये सोच रहे होंगे लिनोवा और रियलमी का जो प्रोसेसर है सेम है, लेकिन फिर भी आपको सेकंड और नंबर पर लिखा है वो इस वजह से, क्योंकि जो रियलमी 30 Pro है इसमें आपको प्रोसेसर भी बढ़िया मिलता है और कैमरा भी बढ़िया मिलता है, और इस वजह से मैंने ये फ़ोन पहले नंबर पर लिया है। तो इसमें आपको प्रोसेसर मिलेगा स्नैपड्रैगन 710 का। बैटरी मिलती है 4,045 mAh की। 20 वाट का फास्ट चार्जर है। प्राइस है 9,999 रुपये। आप लोगों को कौन सा फ़ोन पसंद आया?